नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, यदि आप यूपीटेट, सीटेट, एमपीटेट, सुपरटेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस, हमारे लाइव सेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, एक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, क्रैक एमपीटेट 2021 के नाम से एक कंप्लीट बैच कोर्स आप सभी लोगों के लिए लॉन्च हो रहा है 1 सितंबर से, जिसमें आपके इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर्स आपको स्टडी कराएंगे, पाठन कराएंगे। दोस्तों, पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो, दोनों की बहुत विधिवत तरीके से तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, मैं बात करूं सीटेट को लेकर के, रीट को लेकर के, एमपीटेट को लेकर के, आप सभी के एग्जाम है आने वाले 6 महीनों में, आपके रीट, सीटेट और यूपीटेट का एग्जाम है। तो दोस्तों, अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया है वन टाइम पेमेंट, वन टाइम प्लस फीचर्स यदि आप लेते हैं मात्र 729 रुपए में यदि आप पेमेंट लेते हैं करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सीटेट, यूपीटेट, रीट और एमपीटेट या ऑल स्टेट टेट की तैयारी कर पाएंगे मात्र 729 रुपए में। दोस्तों, इसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा ऑडी10, अदरवाइज आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा और ये 729 में नहीं पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्लस फीचर्स हैं, आपको अनलिमिटेड कंटेंट, अनलिमिटेड टीचर्स के द्वारा अनलिमिटेड टॉपिक्स वाइज पढ़ाया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज होंगी अनलिमिटेड, प्रैक्टिस सेट होंगे अनलिमिटेड और मॉक टेस्ट अनलिमिटेड होंगे, यानी कि आपके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त स्टडी मटेरियल होगा, कंटेंट होगा, पढ़ना आपको होगा और बेहतरीन तैयारी करके 120 प्लस नंबर आपके आएंगे। 729 रुपए का प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको सीटेट की भी तैयारी करा दी जाएगी, यूपीटेट की भी और रीट की भी। अलग अलग बैचेस मिलेंगे, ऑनगोइंग, अपकमिंग और कंप्लीटेड बैच, तीनों बैच में आप पढ़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ये दोस्तों आप मेरा रेफरल कोड नोट कर सकते हैं, AUDI10, ऑडी10 मेरा रेफरल कोड है, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, आज की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। आज की श्रृंखला कुछ इस प्रकार है कि झरना काव्य संग्रह की रचयिता कौन है, ये आपको बताना है कि झरना काव्य संग्रह की रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल वर्मा या महादेवी वर्मा। तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। इन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, महाराणा, अजातशत्रु, इरावती, तितली, झरना, प्रेम, लहर, जन्मेगा का नागयज्ञ, आंसु, आंधी, ये सब लिखी हैं और कामायनी। इनको कलाधर के नाम से जाना जाता था। ब्रज भाषा में इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं कलाधर के उपनाम से लिखी हैं। राइट आंसर आपका सी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है, गेहूं का? नहीं भाई, अभी रक्षाबंधन गया बीच, पिछले एक हफ्ते में रक्षाबंधन बीता है, तो तिलक लगाने में आप लोगों की बहनों ने अक्षत का प्रयोग किया होगा ना। अक्षत तिलक लगाकर एक श्रृंगार रस की कुछ पंक्तियां भी याद आ रही हैं कि अक्षत तिलक लगाकर दो थापे देना, फिर अपने घर को भी, फिर मेरे घर को भी अपना घर कहना। नायक नायिका के लिए कह रहा है कि वन में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जठराग्नि होगा, विराग्नि होगा, पड़वाग्नि होगा या दावानल होगा, दावाग्नि होगा। तो दावाग्नि होता है वन में लगने वाली आग, पड़वाग्नि होता है समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग पड़वाग्नि हो जाएगा, जठराग्नि पेट में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पुस्तकालय शब्द में समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास है पुस्तकालय में, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है, ये आपको बताना है कि पुस्तकालय शब्द में समास कौन सा है। तो पुस्तकालय, पुस्तकालय, तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर बी होगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यह आपको बताना है कि उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। प्रभाव में प्र और भाव मिलकर के प्रभाव बना, पराजय में परा और जय मिलकर के पराजय बना,
अप और बाद मिलकर के अपवाद बना, ओढ़ना, ये आपका इसमें ये मूल शब्द से मिलकर बना है, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है? आशय का अपरिहार्य मतलब होता है अनिवार्य, आहार मतलब होता है भोजन, और आशय शब्द का तात्पर्य है, आशय का तात्पर्य हो जाएगा, तात्पर्य आशय का पर्यायवाची हो जाएगा। भीगी बिल्ली होना होने का अभिप्राय क्या है? सर्दी लग जाना, भीग जाना, डर जाना, या बिल्ली की आवाज निकालना। तो भीगी बिल्ली होना मतलब डर जाना, मतलब भीगी बिल्ली हो गए, राइट आंसर सी हो जाएगा। रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर होगा, रसोई का घर होगा, या रसोई में घर होगा, या घर की रसोई होगी। तो रसोई के लिए घर, रसोई मतलब खाना बनाने का जो भी प्रोसेस होती है उसे रसोई कहते हैं। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए घर बनाया गया, उस घर को आप कहते हैं रसोई के लिए घर, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मुंह तोड़ में कौन सा समास होगा? मुंह तोड़ में कौन सा समास होगा? मुंह तोड़ना कर्मधारय समास हो जाएगा। वह पढ़ता होगा, इस वाक्य में वर्तमान काल के किस भेद की क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो इसमें संभाव्य वर्तमान प्रयुक्त हुआ है, राइट आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान दोस्तों क्या, वह पढ़ चुका है, तत्कालिक वर्तमान वह पढ़ रहा है, इस तरीके से आपके होते हैं। दोस्तों आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।